हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर में एक साथ 28 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, अब मरीजों की संख्या 43 हुई, एक की हो चुकी है मौत। करीब 19 जगहों पर सामने आए कोरोना पॉजिटिव। जालौर जिले में बुधवार को एक साथ 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। पहली सूची में 22 कोरोना पॉजिटिव तो वहीं दूसरी सूची में 6 और मरीज सामने आए हैं। ऐसे में जिले में अब मरीजों की संख्या 43 हो चुकी है, साथ ही एक मरीज की पूर्व में मौत हो चुकी है। एक साथ इतने मरीज पॉजिटिव मिलने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। बुधवार को आई रिपोर्ट में जिला के विभिन्न हिस्सों में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बागरा में एक, मांडोली में एक, थूर में एक, बूती में एक, रायथल में एक, जसवंतपुरा में दो, राजिकावास में 3, मनोहर जी का वास जसवंतपुरा में एक, जूनी बाली में 2, भालनी में 2, अरनाय में 3, बेरा लाकोट जालौर भी में 1, कलापुरा में 1, मेघवालों का वास सियाना में 1, मोहुवाड़ा आहोर में 1, भीनमाल शहर में 2, मुड़तरा सिली में 1, तूरा में 1, मांडवाला में 1 व सायला मुख्यालय पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की बुधवार को रिपोर्ट सामने आई है। जिले भर में मरीजों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। सांचौर के भड़वल में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो चुकी है। हरकत में आया प्रशासन, जालौर जिले में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ मरीज सामने आने के बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया है। संबंधित गांव में अलर्ट कर दिया गया है। एक ही दिन में 28 मरीज मिलने के कारण सभी ग्रामीणों को भी घर में सुरक्षित रहने की सलाह दी है। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।